हम भी पीछे पीछे हैं गुजरे हैं। गुफा इसके अंदर ही है, पूजा अर्चना की जाती है, काफी लोग अपने मन्नत गढ़ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये काफी यानी क्या बोला जाए काफी लोग मन्नतें मांगने आते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे रहस्यमय गुफा है, श्री राम का नारा लगाया हुआ है। तो गाइस दरअसल हम खुपड़ागढ़ पहाड़ क्लास चोटी में हैं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम निशांत, आप देख रहे हैं डीके ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को ले आया हूँ रांची से बेड़ो, बेड़ो से चट्टी जाने वाले रोड पे आप लोगों को ये खुपड़ागढ़ पहाड़ मिलता है। यहाँ पे आप लोगों का मन्नतें पूरा होता है। यहाँ बोला जाता है कि कुमारियों का मन्नत पूरा होता है, यानी जो मांगते हैं आप वो पूरा होता है, यानी मन्नत पूरा होता है। इस वजह से आज मैं आप लोगों को ले आया हूँ ये खुपड़ागढ़ पहाड़, जहाँ पे आप लोगों का मन्नतें पूरा होती है। तो यानी आप लोगों को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आइए ये खुपड़ागढ़ पहाड़, जहाँ पे आप लोग मन्नतें पूरा हो जाएगा। मेरे तो वैसे कुछ विशेष नहीं है, बट बस आप लोग मेरे लिए दुआ कर दीजिए, बस इतना ही काफ़ी मेरे लिए। तो चलिए खुपड़ागढ़ पहाड़ घुमाता हूँ। ये काफ़ी अच्छा प्लेस है, ऊपर जाके मालूम चलेगा कैसा प्लेस है, और काफ़ी लोग मन्नतें मांगने आते हैं। तो जस्ट हम भी आज आए हुए हैं, तो चलिए खुपड़ागढ़ पहाड़ का कुछ दर्शन करिए और फिर आप लोगों से मिलता हूँ कि आप लोगों को आना चाहिए। और मैं आप लोगों का मैप डाल दूँगा दरअसल डिस्क्रिप्शन में, जिसकी सहायता से आप आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा दूरी पर नहीं स्थित है, तो चलिए घूमिए। तो गाइस देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे खुपड़ागढ़ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी यानी क्या बोला जाए काफ़ी लोग मन्नतें मांगने आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने से आप लोगों का मन्नतें पूरा होते हैं। इसलिए आज हम भी आए हुए हैं खुपड़ागढ़, जो कि बेड़ो प्रखंड में पड़ता है। जस्ट मैं आप लोगों को लोकेशन डाल दूँगा। देखिए यहाँ आज आए हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से आप, ये खुपड़ागढ़ पड़ता है। वैसे कुछ मैं तो पूजा पाठ का वैसे कुछ करता नहीं हूँ, यानी दरअसल आप लोग में से कौन कौन सा धर्म वगैरह को मानते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कमेंट करें, और ये देख सकते हैं। तो चलिए ऊपर चलता हूँ फिर, मेरे को तभी से थकान होना शुरू हो चुकी है, क्या ही बोल सकता हूँ। खुपड़ागढ़ पहाड़ चढ़ते चढ़ते काफ़ी थकान आ चुकी है, पानी भी नहीं दरअसल मैं लेकर आया हूँ, तो काफ़ी थकान महसूस हो रहा है। और मेरे पीछे देखिए काफ़ी अच्छा सीन है, जस्ट इसके बाद मैं डाल दूँगा आप लोगों के लिए। ये काफ़ी मनमोहक सा नज़ारा है, ये सीन काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, काफ़ी श्री राम का नारा लगाया हुआ है जो कि लिखा हुआ है, और काफ़ी अच्छा दर्शन लग रहा है ऊपर में, काफ़ी मनमोहक से दृश्य लग रहा है, काफ़ी अच्छा। एक बार आप ज़रूर आएँ विजिट करें, मैं आप लोगों का मैप में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जिसकी सहायता से आ सकते हैं ये खुपड़ागढ़ पहाड़। तो गाइस दरअसल हम खुपड़ागढ़ पहाड़ क्लास चोटी में हैं, यानी पहुँच चुके हैं खुपड़ागढ़ पहाड़ के ऊपर, जस्ट चोटी में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे स्विलिंग वगैरह है, बोला जाता है जहाँ पर भगवान निवास करते हैं पहाड़ की चोटी पर। तो जस्ट हम पहुँचने वाले हैं और मेरी सांसें फूल रही है। ये खुपड़ागढ़ के ऊपर का टॉप का और यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, काफ़ी मनोरम दृश्य है जो कि काफ़ी मनमोहक लग रहा है, बट सांस इतनी फूल रही ना कि क्या ही बोल सकता हूँ। और उधर पहाड़ पहाड़ काफ़ी अच्छा लग रहा है नज़ारा, और वो गुमला साइड का पहाड़ आपको दिख नहीं रहा है। हम पहुँच चुके हैं ये खुपड़ागढ़, तो देखिए इधर गुफा इसके अंदर ही है, पूजा अर्चना की जाती है, काफ़ी लोग अपने मन्नतें मांगते हैं और दर्शन के लिए आते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दूर से। देख सकते हैं मेरी सांसें फूल रही है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लगता है, और ये चट्टी बन रहा का जस्ट पहाड़ का नज़ारा। तो चलिए अंदर दर्शन करते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। ये कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं त्रिशूल वगैरह निकला हुआ है। विश्वनाथ जी जो कि गुफा में घुस रहा है, तो हम भी पीछे पीछे हैं घुस रहे हैं। ये खुपड़ागढ़ पहाड़ के अंदर दर्शन करने आए हैं। हे भगवान, नौकरी लगवा दबे।